हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और ये है मसूरी व्लॉग का पार्ट टू। तो गाइस, सबसे पहले तो व्लॉग वन को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आशा करता हूँ कि आप व्लॉग टू को भी इतना ही प्यार देंगे। और आइए शुरू करते हैं। यहाँ की लाइब्रेरी रोड बहुत ही पुरानी है, ये अंग्रेजों के समय की लाइब्रेरी। इसी के पीछे एक गुरुद्वारा है, यहाँ पर प्राचीन काल कालीन। तो अभी हम जा निकल चुके हैं, मॉल रोड है ये। यहाँ पर आप वॉक करते हुए भी जा सकते हैं, और चाहें तो रिक्शा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वॉक करते हुए जाएं, क्योंकि इससे आप जो आनंद है सफ़र का, इस मार्केट का, तभी ले पाएंगे अगर आप आराम से वॉक करते करते जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर आप ये रिक्शा आराम से ले सकते हैं। यहाँ से स्कूटी लेके भी आप जा सकते हैं और गाड़ी लेके भी जा सकते हैं। स्टार्टिंग में वहाँ पर आप इनका टैक्स देके अंदर प्रवेश कर सकते हैं मॉल रोड में। अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो जा सकते हैं। तो ये है मॉल रोड। तो ऐसा है कुछ मॉल रोड। तो काफ़ी अच्छा पर्यटक स्थल है ये, आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ। शॉल वगैरह की मार्केट यहाँ पर काफ़ी है, क्योंकि यहाँ ठंडा रहता है पूरे साल भर। तो अच्छी क्वालिटी के कपड़े यहाँ से मिल सकते हैं आपको, और फुट्टे की दुकान आपको हर जगह जगह मिल जाएगी यहाँ। तो यहाँ से आप नेम प्लेट वगैरह भी बनवा सकते हैं वुडन के। और आजकल यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सड़कों में, तो थोड़ी धूल भी है, लेकिन अगर हम उसको इग्नोर करें तो बहुत ही बढ़िया स्थल। तो ये है मसूरी की हिस्ट्री। तो ये देखिए कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, स्वेटर के अंदर ही पूरा वेयर हाउस बना दिया है। सेल लगी है। वुलन कपड़ों का काफी मार्केट है यहाँ पर, और ये पहाड़ी टोपियाँ। यहाँ आप चाय और कॉफ़ी का आनंद भी ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमते हुए, काफ़ी अच्छा मौसम है। और ये है व्यू यहाँ से। देखिए केदारनाथ के सामने। जय हो शंकरा बोले। अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर फ्रूट चाट खीरा वगैरह सब मिल रहा है।
यहाँ पर ये भी एक मार्केट है, तिब्बती मार्केट यहाँ का। और ये भोटिया टॉकी सोते हुए। ये है यहाँ से पूरा व्यू। ये हमारा देश का झंडा शान से तना हुआ। जय हिंद, जय भारत। तो ये काफी बड़ी मार्केट है जहाँ देखो शॉप्स ही शॉप्स और टूरिस्ट ही टूरिस्ट। यहाँ का बेल माउंट रेस्टोरेंट है, ये काफी फेमस है। ओह, कॉफी के शौकीनों के लिए सीसीडी भी यहाँ पर है। यहाँ से हमने आइसक्रीम ली है। यहीं पर सागर रत्न और उसके बगल में जवाहर एक्वेरियम भी है। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी की फिश मिलेंगी आपको। जो लोग को एक्वेरियम वगैरह पसंद है तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। से गन हिल करीबन आधा किलोमीटर दूर है और झूला घर भी आगे यहाँ से पड़ेगा आधा किलोमीटर। गन हिल यहाँ से टॉप में जाके है, वहाँ के लिए रोपवे भी है, तो जैसा आप प्रेफर करें वैसे अकॉर्डिंगली जा सकते हैं वहाँ पे भी। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जय हिंद। तो ये ट्रॉली आते हुए सीधा गनहिल से। तो यहाँ से मिलती है ट्रॉली। कैमरा है और ये इसकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। और यह चित्र पहाड़ को दर्शाते हुए, हमारे पहाड़ी संस्कृति और कला को दर्शाते हुए। तो यह राष्ट्रीय झंडा हमारा, देखिए कितना विशालकाय और ऊंचा है ये। और इसकी इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और ये ट्रॉली गनहिल को जाते हुए। यहाँ से बाइक और रेंट भी इजीली मिल जाती है, बाइक रेंट पे मिल जाती है, स्कूटी भी यहाँ से मिलती है। ट्रॉली रोप पे, ऐसा है व्यू। और यहाँ से कुछ ऐसा नीचे को दिखता हुआ व्यू। ये दूरबीन से भी आप यहाँ के नज़ारों का लुत्फ ले सकते हैं। साइकिल भी रेंट पे ले सकते हैं, 100 रुपये पर आर का हिसाब से आप साइकिल ले सकते हैं। फोटो है
तो ये है अंग्रेजों के समय का। स्टेशन सेंटर का यहाँ से पहले रेलवे स्टेशन के लिए टिकट बुक हुआ करते थे। ये कितनी चढ़ाई है, लाइक तो बनता है वीडियो के लिए। कालसंग यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैरायटी का तिब्बतियन फूड मिलता है, जब भी आप यहाँ आए तो यहाँ से ज़रूर ट्राई करें। यहाँ का महाराजा रेस्टोरेंट है, डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पर हैवी। यहाँ पर डोमिनोज भी है और रेस्टोरेंट्स की यहाँ पर कोई कमी नहीं, तो खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बाइक और स्कूटी आप इन पर ले सकते हैं। यहाँ पे दूध मिलता है केसर पिस्ते का, बहुत ही बढ़िया होता है, टेस्टी, हमने ट्राई किया हुआ है। और शाम के समय में शुरू करते हैं देना, तो अगर इस समय होते तो हम पक्का लेते हैं यहाँ से। और ये कालसंग तो ये है शहीद स्मृति स्थल। यहाँ पर जो उत्तराखंड के हमारे सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनके आपको स्मृतियाँ देखने को मिलेंगी। दीपक सिंह, बलबीर सिंह नेगी, राय सिंह बंगारी, हंसा धनाई, बेलमती चौहान, मदन मोहन मालवीय, ये आप देख सकते हैं। सभी ने हमारे जो देश को उत्तराखंड स्थापना में बहुत उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा, योगदान रहा। तो ये हैं सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे प्रदेश के स्थापना में पूरा योगदान दिया। राज्य आंदोलन में इन्हीं की वजह से आज ये उत्तराखंड प्रदेश बन पाया है। ये हैं हमारे आंदोलनकारी। बहुत ही सुंदर और एकदम पहाड़ी से घर होते हैं हमारे पहाड़ों में, वैसे ही ये मनाया गया। और पीछे से जो व्यू है बहुत ही शानदार। रिक्शे वाले तो अब हम वापसी की ओर जाते हुए देहरादून की ओर वापसी के लिए। और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन, बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही सुंदर जगह है मसूरी। आप लोग भी ज़रूर आएँ और यहाँ के हसीन वादियों का, हसीन मौसम का आनंद लें। तो ये है सनसेट होने वाला है और अब हम देहरादून के लिए निकल चुके हैं। ये हैं रास्ते, तो फ्रेंड्स अब हम जो है मसूरी से वापस चल पड़े हैं देहरादून के लिए। हमने वहाँ पर बहुत
मस्ती करी, वहाँ घूमे, कंपनी गार्डन भी देखा, कुलड़ी बाज़ार और माल रोड घूमे, वहाँ आइसक्रीम भी खाई और लंच हमने कंपनी गार्डन में किया। और उसके बाद अब हमारी वापसी हो रही है। आप लोग भी यहाँ ज़रूर आए, जब भी आए देहरादून तो मसूरी ज़रूर घूमें। तो गाइस कमेंट करके बताएं कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, जो मसूरी सीरीज़ है पार्ट वन पार्ट टू दोनों कैसी लगी, और आपको जो कौन सी प्लेसेस हैं जो मसूरी में देखने लायक लगी, और आप कौन सी प्लेसेस हैं जहां आप जाना ज़रूर चाहेंगे, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।